देख रहे हैं खटपट न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर कोविड-19 से बचाव के टीके की दूसरी खुराक ली। उन्होंने टीका लगवाने के बाद डॉक्टरों से टीकाकरण के बाद रखी जाने वाली सावधानियों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। जिन लोगों ने टीके की पहली डोज लगवा ली है वे निर्धारित समय में दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि टीका ही कोरोना से बचाव का एक कारगर उपाय है। टीका लगवाने के बाद भी सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ की सफाई करें और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग व परिश्रम से छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। संक्रमण की दर वर्तमान में 5% के नीचे आ गई है। जनता की सहूलियत के लिए लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। सभी लोग सावधानी को अपनाएं जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। वैक्सीन का दूसरा डोज मैंने लिया और सभी से अपील है कि जिन्होंने पहले डोज ले लिया है वो दूसरा डोज अवश्य लें। उनके लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो 18 से 44 साल के नौजवान हैं उनके लिए भारत सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है और जितना डोज आ रहा है उतना हम लोग लगा भी रहे हैं। तो वैक्सीन ही कोरोना से लड़ने के एकमात्र उपाय है। दूसरा उपाय है कि डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोएं और मास्क लगा कर रखें। ये दो चीज़ें हैं जिससे हम लोग कोरोना से लड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, रायपुर।